नमस्कार जी, मैं अनुज कुमार सिंह। आज का वीडियो बनाने का एक ही पर्पस है, आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी है कि जैसे कि 10th क्लास के जो एग्ज़ाम किसी अगर बच्चे के पेंडिंग रह गए थे, मोस्ट प्रोबेबली तो हो ही गए थे, तो जिसके भी पेंडिंग रह गए थे अब वो एग्ज़ाम नहीं होंगे। जैसे कि CBSE का नोटिफिकेशन आ चुका है और आपके स्कूल वगैरह भी शायद अभी ओपन होने में थोड़ा टाइम लगे, तो आप सभी बच्चों से मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि देखिए, आपके जब स्कूल ओपन होंगे तो आपके जितने भी हॉलीडेज हैं वो सारे कैंसिल होने वाले हैं और आपका जो स्कूल टाइम है वो एक्सटेंड हो जाएगा। जैसे सपोज करिए, आपकी क्लास मॉर्निंग 8 o'clock से अगर 2 बजे तक का आपका स्कूल है तो मे बी पॉसिबल है कि 8 से वो 4 बजे तक का हो जाए। तो 4 बजे तक का अगर स्कूल हो जाता है, इसका मतलब वो ये कोशिश करेंगे कि जितने बच्चों की इतनी छुट्टियां हो गई तो सिलेबस को जल्दी से जल्दी कवर अप करवाया जाए। सपोज करिए आपका जुलाई में स्कूल खुलता है, 1 जुलाई से। जब आपके 1 जुलाई में स्कूल ओपन होंगे, आपका सिलेबस अगस्त सितंबर में खत्म हो जाता है। सपोज करते हैं अक्टूबर में आपके एग्जाम हो जाएंगे, उस टाइम पे अगर मैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस से बोलूं तो आपको काफी सारी समस्याओं को सामने करना पड़ता है। जैसे कि आप स्कूल मॉर्निंग में जाते हो और फिर 4 बजे जब घर पे आओगे तो आप बहुत थक चुके होगे, यानी उसके बिटवीन द आप कोई कोचिंग क्लासेस नहीं कर सकते क्योंकि आप स्कूल में हो। और कोचिंग क्लासेस जब इवनिंग में जाओगे आप, यानी 5 बजे भी, 6 बजे तक आप कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करोगे, तो सबसे बड़ी समस्या स्कूल में नहीं, जैसे हम जो कोचिंग क्लासेस प्रोवाइड करते हैं उनको बहुत बड़ी समस्या आने वाली है कि सिलेबस जल्दी जल्दी करवाना पड़ेगा। और 11th क्लास में आपको पता है कि ऑल्टरनेटिव बेसिस पे क्लासेस चलती है, जैसे TTS हो गया या MWF हो गया। तो 3 दिन में, 2 महीने के अंदर, जैसे जुलाई से स्कूल ओपन होगा, जुलाई और अगस्त में 2 महीने में आपका सिलेबस को कंप्लीट कराना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि सभी बच्चों ने कैसा एग्जाम दिया उसको पता है और उन्होंने अपना मन बना लिया है कि उन्हें आर्ट्स लेना है या कॉमर्स लेना है या साइंस लेना है। तो मैं आप सबको एक ही चीज बताना चाहता हूँ कि हमने, हमारी पूरी टीम ने, जैसे मैं हो गया, रोहित हो गया, अकाउंटेंसी का और मैथमेटिक्स की क्लासेस स्टार्ट कर दी है ऑनलाइन बेसिस पे, क्योंकि हमें सोशल डिस्टेंस बना के रखना है, क्योंकि इसी में हमारी भलाई भी है, आप सभी जानते हैं। तो इसलिए हमने कोशिश की है कि ऑनलाइन क्लास अभी से ही धीरे धीरे प्रोवाइड करें, ताकि जब स्कूल ओपन हो और आप ज्वाइन करो तो आपके पास एक अच्छा खासा नॉलेज हो। और उन माता पिता, उन पेरेंट्स से भी मैं बताना चाहूँगा जो कि ये वीडियो देख रहे हैं, अगर बच्चे अभी से ही स्टार्ट कर देंगे करना तो एग्ज़ाम के टाइम पे इतना बर्डन नहीं होगा उनके ऊपर, जिससे कि उनका माइंड काफ़ी रिलैक्स रहेगा एग्ज़ाम देने में, क्योंकि 11th क्लास उनका बेस है। मैं ये नहीं कह रहा कि अकाउंट्स के अंदर बेस है, मैं ये नहीं कह रहा कि हिस्ट्री में बेस है, किसी भी सब्जेक्ट में जाएगा उसी पे उसका पूरा का पूरा करियर डिसाइडेड होने वाला है। तो अगर हमारी नींव ही कमजोर होगी, बेस ही बेकार होगा, जल्दबाजी में पास हो जाएंगे, तो क्या आगे हम फ्यूचर में सक्सेस कर पाएंगे? इस पे बहुत बड़ा सवाल उठ जाएगा, क्योंकि मेरा मानना है कि बच्चा अगर पास हो जाता है तो इसका मतलब ये कभी नहीं होता कि उसने सारी चीज़ों की पढ़ाई करी है। कई बार ऐसा भी होता है, फॉर एग्जाम्पल, बच्चे ने जल्दबाजी में पढ़ाई किया और जो चीज़ें पढ़ा वही एग्जाम में आ गया और अच्छे नंबर भी आ गए। तो
तो हमारा ये कॉन्सेप्ट नहीं होता, नंबर दिलाना हमारा मकसद नहीं है। हम ये चाहते हैं बच्चे को बिल्कुल बेसिक और नॉलेज बिल्कुल डेप्थ में पता हो। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, कॉमर्स सेक्शन में जो सबसे मेन कोर्स होता है वो चार्टेड अकाउंटेंटेंसी का, सीए का होता है। काफी सारे मेरे फ्रेंड सर्कल में ऐसे सीए हैं, ये काफी सारे मैंने सीए के बारे में ऐसा सुना भी है, उन्होंने एग्जाम तो पास कर लिया लेकिन नौकरी उन्हें अच्छी नहीं मिल पाई जो चाहते थे वो, क्योंकि इंटरव्यू में और जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हो तो वो चलो आपकी क्वालिफिकेशन है वहां तक पहुंचने के लिए, उसके बाद बोलते हैं कि आप प्रैक्टिकली बताओ ये सारी चीजें कैसे होती है। तो इसी चीज के लिए बस मैं बोलना चाहूंगा कि हमने अभी से क्लास स्टार्ट की और स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल बेसिक तरीके से सारी वीडियो, सारे नोट्स, सारी चीजें प्रोवाइडेड होगी, बच्चा रिवाइज करता रहेगा। एक प्रॉपर टाइम हम डिसाइड कर देंगे, जैसे कि 10 बजे का टाइम मैंने बोला हुआ है, लेकिन कुछ बच्चों के स्कूल ओपन है, प्राइवेट वालों के ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, तो टाइमिंग को मैं शिफ्ट करके इवनिंग में कर दूंगा और ऑल्टरनेटिव बेसिस पे हम आपको सारी क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। और सभी बच्चों से है कि आपको बुक जो है वो परचेज कर लेना है, क्योंकि बुक आपकी आ चुकी है मार्केट में और स्टेशनरी शॉप सारी ओपन है। तो आगे हमें जो समस्या आने वाली है उसके लिए तैयारी हमें आज से ही करना है। समस्या का मतलब जो हमें एकदम से बहुत सारा बर्डन आने वाला है उससे बचने के लिए हमें आज ही फैसला करना पड़ेगा। एक कहावत है ना छोटा सा, जब चिड़िया चुग गई खेत तो बाद क्या पछताना। मतलब जब समय और टाइम जब आपके हाथ से निकल जाएगा तब आप कुछ नहीं कर पाओगे। और आप सभी बच्चों में, जितने भी बच्चे मेरे पास पढ़ते थे, आप सभी बच्चों में इतना स्ट्रेंथ है, मैं हर एक बच्चे को जानता हूं कि वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। हमें ये नहीं मतलब कि हमें क्लास के अंदर टॉप करना है, हमें ये मतलब होना चाहिए हमें सीखना है। और जो एक-एक चीज सीखेगा, एक-एक चीज को लर्न करके चलेगा, आगे जिंदगी में कभी भी मात नहीं खाने वाला। हमें फैशन नहीं बनाना कि ट्यूशन जाएंगे और पास हो जाएंगे, हमें हर चीज की लर्निंग अच्छे से आनी चाहिए, हर चीज की अच्छे से समझ होनी चाहिए। बस मैं ये चाहता हूँ, हमारी कोशिश यही रहती है। तो आप सभी बच्चों से और आप सभी माता-पिता से बस एक ही इंफॉर्मेशन देने के लिए मैं आया हूँ आज आपके पास कि कल से अकाउंटेंसी की क्लास स्टार्ट हो जाएगी और स्टेप बाय स्टेप होगी, और किसी भी बच्चे का कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उसके लिए हम 24/7 हम उस बच्चे के लिए हैं। बस इतने से आपको सूचना देना था। आप सभी हमारे आने वाले फ्यूचर के, हमारे आने वाले भविष्य के, आप सभी बच्चे हमारे भारत के एक नींव रखेंगे आगे चल के। और आप सभी से सिर्फ आपके माता-पिता को उम्मीद नहीं है, आप सभी से उम्मीद पूरे भारतवर्ष को है। तो आपकी जिम्मेदारी बच्चों ज्यादा बनती है कि आप एग्रेसिव मोड पे आके आप अपने आप को प्रूव करें। आप बिल्कुल बेस्ट हैं और आपको प्रूव करना होगा कि आप में वो काबिलियत है जो कि आपको एक यूनिक स्टूडेंट बनाता है, एक यूनिकनेस लाता है। तो बस मैं आपसे इतना ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अच्छे से मन लगा के पढ़ाई आप स्टार्ट कर दें। और जिसको अगर कॉमर्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए मैं एक वेबिनार लूंगा और उसमें सारी आपको क्लियरिटी दूंगा। बस इतना ही बताना था। थैंक यू सो मच बच्चों। जय हिंद, जय भारत।